वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस ब्रह्मास्त्र को थिएटर्स के अंदर रिलीज होए हुए आज 26 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो बहुत से भाई लोग पूछ रहे थे कि यार ब्रह्मास्त्र का क्या बना, उसकी कलेक्शंस तो आपने बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है, कुछ भी नहीं बता रहे हो। तो गाइस हम वापस आ चुके हैं, मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि ब्रह्मास्त्र की फर्स्ट 26 डेज के अंदर टोटल नेट इंडिया कलेक्शन कितनी हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड कितनी हो चुकी है, ओवरसीज से कितना आ चुका है और अभी तक टोटल ये फिल्म कितना कमा चुकी है। और आज डे 20 मींस के कल डे 26 पे इसकी ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी है, क्या चल रहा है इसकी कलेक्शन को लेकर। तो गाइस इससे पहले कि मैं ये सब आपको बताऊं, जिन भाई दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लो यार, क्योंकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस हम आप सबके लिए लाते ही रहते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं ब्रह्मास्त्र की डे 26 की यानी कि कल की ट्यूसडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई थी 73 लाख रुपीज। मतलब गाइस आप मान के चल सकते हो कि अभी भी डे 26 पे आके भी ये फिल्म अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है, क्योंकि साथ विक्रम वेदा चल रही है, साथ PS1 चल रही है जिसने तो गाइस तबाही मचाई हुई है। इसके बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ PS1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लेकर। गाइस वो तूफान बनी हुई है फिल्म, इस तरह की कलेक्शन कर रही है। उसके साथ गाइस प्रेम गीतरी को भी कुछ स्क्रीन मिली हुई है, चुप को भी स्क्रीन मिली हुई है। उसके बाद भी डे 26 पे आके अगर ये 73 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है तो आई थिंक सो ये बहुत बड़ी कलेक्शन है। खैर मैं आपको बताता चलूं फर्स्ट 26 डेज के अंदर, पहले 26 दिनों के अंदर ब्रह्मास्त्र की टोटल नेट इंडिया कलेक्शन हुई है 265 करोड़ रुपीस, ग्रॉस कलेक्शन हुई है 313 करोड़ रुपीस, ओवरसीज से इस मूवी ने कमाया है 112 करोड़ रुपीस। और सारा ओवरसीज टोटल मिला के फर्स्ट 26 डेज के अंदर ब्रह्मास्त्र की टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुकी है 425 करोड़ रुपीज। आई थिंक सो मेकर्स ने कल ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया था कल या परसों जो 425 करोड़ रुपीज का था। मैंने आपको पहले भी बोला था ट्रेड के नंबर्स हमेशा थोड़े बहुत कम होते हैं, मेकर्स के नंबर ज्यादा होते हैं। ट्रेड के नंबर आज आके 425 करोड़ रुपीज हुआ है और मेकर्स के दो दिन पहले ही हो गया था। मतलब आप कह सकते हो कि अभी मेकर्स के नंबर चले गए होंगे 430 to 435 करोड़ रुपीज के। मतलब अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है ब्रह्मास्त्र 430 करोड़ के आसपास चल रही है। और गाइस अगर मैं आज का आपको अर्ली एस्टिमेट बताऊं, मतलब डे 27 का, मतलब के वेडनेसडे का, तो आज के दिन भी ये मूवी 60 लाख रुपीस की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर रही है। मतलब अगर ये वर्किंग डे में इतनी लाख में कलेक्शन कर रही है, 50 लाख प्लस आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जैसे वीकेंड आएगा फ्राइडे सैटरडे संडे तो इन दिनों इसकी कलेक्शन ऑफ कोर्स करोड़ तक चली जाएगी, 1 करोड़ आ जाएगी। और ओवरसीज से भी इसको अच्छा रिस्पांस मिला है। तो फिलहाल ब्रह्मास्त्र की जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताई जा रही है गाइस वो है 450 करोड़, ट्रेड के नंबर्स के अकॉर्डिंग 450 करोड़। और वैसे भी गाइज जब से आदि पुरुष का टीजर आया है तब से बहुत से भाई लोग दोस्त कह रहे हैं कि यार आदि पुरुष के टीजर में जो VFX है उससे 100 times बेटर VFX है ब्रह्मास्त्र के। मतलब हम कह सकते हैं कि अब आके ऑडियंस को, वो कहते हैं ना जो भाई लोग कहते थे कि ब्रह्मास्त्र की VFX बिल्कुल ही फारिग है, कोई VFX नहीं है ये वो, अब आके वो भी कह रहे हैं कि हाँ भाई ब्रह्मास्त्र की VFX बहुत अच्छे थे, बहुत नहीं बहुत ज्यादा अच्छे। खैर गाइज आप लोग का इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगली आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।